कान साहब, आपका एक एक लहू का कतरा जो आज हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे पे कर्ज है। सबके यहाँ पे गोलियां लगनी थी। शहबाज शरीफ तुम कातिल हो, राणा सनाउल्ला तुम कातिल हो, कि हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे। 22 करोड़ को गोलियां मारना और बेहतर है, और आखिरी बात बेहतर है कि अब हमें मार दो, वरना हम तुम लोगों को, मैं बता रही हूँ कि हम अब तुम लोगों को जीने नहीं देंगे। इमरान खान साहब को ये दूसरी जिंदगी नहीं दी, पाकिस्तान को नई जिंदगी दी है। और आज यार पाकिस्तान के अंदर ये जो करोड़ आवाम, भाई मोबाइल पीछे कर ले, नहीं कर दिए गए, और आज इन्होंने ये खान साहब के ऊपर प्रेस नहीं मारा, ये इन्होंने हमारे सीनों के ऊपर पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम को गोलियां मारी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने खान साहब को दूसरी जिंदगी दी है। मेरा एक भाई हमारा शिकारपुर शहीद हुआ, बाकी शदीद जख्मी हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो सब महफूज है। लेकिन मैं ये 22 करोड़ आवाम को आज गवाह बना के कहती हूँ कि खान साहब ने अपना हक अदा कर दिया। वो कहते थे मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूँगा, उन्होंने नहीं की। अब यार एक मिनट बाद में एंड पे ना यार। और आज हम इनको कहते थे कि इमरान खान पाकिस्तान की रेड लाइन है, इन जालिमों ने आज ये रेड लाइन क्रॉस की है। तो अब मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। शहबाज शरीफ तुम कातिल हो, राणा सनाउल्ला तुम कातिल हो, और जिस तरह से तुम लोगों ने हम सिविलियंस की जिंदगी को क्या समझा हुआ है कि हम क्या हैं, क्या हम इंसान नहीं हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जमहूरी लीडर एक एक करके तुम लोगों ने शहीद कर दिए, और शहबाज शरीफ तुम तो परले दर्जे के चेरी ब्लॉसम, तुम तो गद्दार हो, पहले दिन से तुम गद्दार हो। राणा सनाउल्ला, अब तुम में हिम्मत है, तुम्हारी अगर इतनी औकात है तो बाहर निकल के दिखाना, 22 करोड़ अवाम, इन निहत्ते अवाम से बच के दिखाना। और मैं ये आज पैगाम देने, ये मेरी कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मेरी ये एज ए पाकिस्तानी और एक माँ की हैसियत से, एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मैं ये बात कर रही हूँ कि हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे। और मैं बात कंप्लीट कर लूँ, हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, तुम रोक सकते हो तो रोक लेना। क्या हुआ, बड़े लोग आए, बड़े मर गए, हम सब ने चले जाना है, लेकिन अब हम तुम चोरों के टोले को, गद्दारों को हम बिल्कुल बख्शने वाले नहीं हैं। क्या हसीन इत्तफाक है कि अभी उसका बयान यहाँ पे हमारे डॉक्टर शहबाज गिल के मुंह के ऊपर पर्दा डाला गया, काला कपड़ा डाला गया, कितने कितने दिन तक उनकी स्टेटमेंट नहीं ली गई, और वो इतना पाकिस्तान का बड़ा पॉपुलर लीडर, इंटरनेशनल लेवल का लीडर, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, उसको कातलाना, उस वो तो डॉज था, हमें पता है गोलियां किधर से आई हैं, मैं कंटेनर पे मौजूद थी, किस किस तरफ से तुम लोगों ने छलनी की है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसका निशाना चूक गया, वरना सबके यहाँ पे गोलियां लगनी थी, वो टांगों पे लग गई। तुम लोगों ने कोई टांगों में गोलियां नहीं मारी, तुम लोगों ने सीधी डायरेक्ट गोलियां मारी हैं। और ये क्या इत्तफाक है कि अभी उसका बयान मीडिया में आया भी नहीं है, और वही सेम कंटेंट, सेम स्पीच ये ख्वाजा फज ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे की, उसने वहाँ पे असेंबली के फ्लोर पे वही बोला जो उस मुजरिम ने बोला, और उसको ये स्क्रिप्ट। और इस सदके में जाऊँ पंजाब पुलिस के, आपकी इतनी स्पीडें, आपकी इतनी चलाकियाँ, और अच्छा किया है सीएम साहब ने, लेकिन इससे ज़्यादा का अब हमें करना पड़ेगा, वरना ये हमें एक एक कीमती जान, हमारे लिए खान बहुत कीमती है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। और हम अपने बच्चे लेके उनके सरों पे, अपने सरों पे कफन बांध के निकलेंगे, 22 करोड़ को गोलियां मारना, और बेहतर है, और आखिरी बात बेहतर है कि अब हमें मार दो, वरना हम तुम लोगों को, मैं बता रही हूँ कि हम अब तुम लोगों को जीने नहीं देंगे। देखें जो जो इनका पपेट, जो जो इनका मोरा बकवास करता था, वो एक एक बात साबित हुई।
खान साहब को खतरात थे, क्योंकि हम लोग बहुत कंसर्न रहते थे। आज की बात का उन्हें खबर थी, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया कि हम लोग पैनिक कर जाएंगे और हम उनको ऊपर नहीं जाने देंगे। मैं ये बताती चलूं, खान साहब आपका एक एक लहू का कतरा जो आज हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे पे कर्ज है, मरते दम तक नहीं हम भूलेंगे। और खान साहब आपने हमसे कहा था कि मेरा बदला लेना, मैं मुझे इंसाफ दिलाना, बदला नहीं कहा था इंसाफ। खान साहब ये आज अभी देखें आप, माशाल्लाह देखें कौम किस तरह तड़प रही है, हम किस तरह अजियत का शिकार है। हमें ऐसे लग रहा है माओ बहनों बेटियों को सफ़े मातम है इन गद्दारों का, हमें लग रहा है कि ये गोलियां हमारे सीनों पे लगी हैं। और जो अहम बात है, ये तीन बंदे, इन तीन बंदों को की बरतरफी तक हम हर तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। और उसके बाद अब मैं बताना चाहती हूँ कि रोक सको तो रोक लो, अब हर घर से ये लॉन्ग मार्च भूल जाएंगे, इनको याद ही रहेगा कि कोई पुरअमन लॉन्ग मार्च निकला था, अब ये याद करेंगे इस दिन। दिया गया जी, बिल्कुल कार्रवाई होगी, वरना हमें, मैं अर्ज करूं, कार्रवाई हो भी चुकी है और हम इस कार्रवाई से बिल्कुल भी अगले स्टेप पे भी जाएंगे। नहीं, जो उसके जिम्मेदारान है वो भी, और ये किसने मीडिया में भेजी और ये क्यों, और ये बेसिकली आवाम को डाइवर्ट करने के लिए माशाल्लाह जो एक इनका हम इस पे एक्शन लेंगे ना, ये बता। लेकिन ये जिनके कहने में, जिनकी सुन लेना जिनकी फोन कॉल के ऊपर ये होते हैं ड्रामे, आपको आरतीयों का बयान आया है, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिए थे पहले ही आरतीयों के, देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल आज पंजाब पुलिस की परफॉर्मेंस बिल्कुल अबू दमार्क नहीं थी। आई एम आई विटनेस, मैं बिल्कुल आई विटनेस हूँ। इतनी बड़ी वारदात, इतना बड़ा सानिया, और इनकी कान पे जो तक नहीं रही, बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा था। सिक्योरिटी बहुत तो पहले दिन से हमें थ्रेट कर रहे थे, वरना तो फिर लॉन्ग मार्च भी ना निकलता, वरना तो हम बिल्कुल ना होते। सिक्योरिटी लैब्स इनकी तरफ से लापरवाही तो जो हुई सो हुई, उसके बाद उसका वीडियो बयान का जारी होना शर्मनाक। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि एफआईआर बनती थी वजीराबाद की, जबकि उन्होंने काटी है गुजरात की, सोशल मीडिया लाए बैठा ले रहे हैं और आपको क्या लगता है खान पे हम चुप कर जाएंगे? हम नहीं चुप कर जाएंगे यार, धक्के ना दो, धक्के दे रहे हैं। शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह।